इनके पास कोई तर्क नहीं है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसा करना एक बात है, अगर आपके पास कोई सबूत है बीजेपी के खिलाफ कि वो ऐसा है, तो आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले, हाई कोर्ट खोले, जाके सबूत दिखाओ और बीजेपी को अंदर करो। मुझे रियलाइज हुआ दिस मैन इज अ चीटर, बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाना आता है, उसमें मास्टर है उनकी। भ्रष्टाचार मुक्त का नारा था मोदी जी का, पर आज मोदी जी का नारा बदल चुका है। मोदी जी का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो, मेरी ईडी की सब हो जाएगी। 8 नेता अंदर जेल में है, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, ये नहीं दिख रहे इनको जिंदगी में। आप बोलते रहो जिंदगी में बाहर नहीं निकलेगा, वो जिंदगी में नहीं निकलेगा। अब मोदी को कोई रोक सकता है? कोई भी रोक सकता है मोदी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूँ आपके साथ मेघा। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली की कनॉट प्लेस में, जहाँ पे मैं जानूंगी कि आज जनता का मूड क्या है। 2024 के चुनाव हैं, किसकी सरकार चाहती है, किसका राज चाहती है अगले 5 साल तक। आज जनता से ही जानूंगी कि जनता का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोचती है जनता, किसको वोट देगी और किसको इस बारी सत्ता में लाएगी। और अब मैं जानूंगी सिर्फ जनता से, जनता के बीच में मौजूद हूँ और जनता से ही सवाल करूँगी कि किसकी सरकार चाहते हैं और किसकी नहीं। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? जिनकी चल रही उन्हीं की आएगी। क्यों? ये काम कर रहे हैं, काम किया, काम देखता है, बाकी तो कोई जेल में है, कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई अंतिम यात्रा कर रहा है। दिल्ली में जैसे सीएम जो है हमारे अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईडी जो घोटाला हुआ, शराब घोटाला किया तभी जेल में है, वरना कोई शौक तो किसी को है नहीं कि भाई आप हमने कुछ किया नहीं, हमें तो कुछ ईडी उठा के ले गई नहीं है, उन्होंने गलत काम किया होगा तभी तो लेके गई ना ईडी। नहीं तो अभी तक कोई प्रूफ तो मिला नहीं है उनके खिलाफ। ये तो प्रूफ नहीं मिला तो प्रूफ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बरी हो जाएंगे। तो आप अगला सीएम किसको देखना चाहेंगे दिल्ली का? अभी देखिए मैम, अभी पहले तो ये तो पहले फैसला हो ना कि ये क्या होता है इनका, उसके बाद देखते हैं। इस्तीफा तो दे नहीं रहे हैं केजरीवाल, तो हो सकता है वो अंदर बैठे बैठे जेल से सरकार चलाए। मैडम ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? मतलब फिर कल को तो बोलेंगे कि भाई जो है ये हॉस्पिटल बंद कर दो, यूनिवर्सिटी सारी बंद कर दो, चुनाव आयोग बंद कर दो, सब जेल से ही चलेगा। मतलब अपने आप को पढ़े लिखे IIT कहते हैं, दिमाग घुटने में है, घुटने से नीचे है उनका। मतलब आप बताइए पॉसिबल है कि अंदर सरकार चलेगी? ये 2024 में आपको लगता है उनके चांसेस हैं आने के? मुझे लगता है, उम्मीद तो कम ही लगती है। अभी 1 तारीख को देखिए क्या फैसला सरकार करती है। चलिए, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी आएंगे पूरे प्रचंड बहुमत के साथ, 400 पार होंगे। 400 पार का नारा लगाते हैं, आपको क्या लगता है कि आप आएंगे, ले पाएंगे 400 पार? डेफिनेटली आएंगे मैडम। और आप किन किन मुद्दों पे आप उनको वोट देंगे? आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या क्या काम किया? सबसे पहला और बढ़िया मुद्दा तो ये कि आप इतने अच्छे खुल के लोगों के ओपिनियन ले पा रहे हो, ये मोदी जी की देना। पहले हम लोग एक टाइम था जब 1-2 ही समाचार होते थे, जिम देखते थे वो हमारे पेरेंट्स देखते थे, हम लोगों को तो नॉलेज भी नहीं थी न्यूज़ में हो क्या रहा है और देश को किन हाथों में दिया जा रहा है और देश कैसे चलाया जा रहा है। आज के युवा को, तब के हम लोगों को जब युवा थे, आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नति में बहुत ग्रोथ आई है और हर जगह डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, हर जगह ग्रोथ बढ़ रही है। यहाँ पे साफ सफाई देख लो, महिलाओं के प्रति देख लो कितना सम्मान वाला काम करा है, महिलाओं को शौचालय। लेकिन दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की है। केजरीवाल का खत्म हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि जो क्या ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। उनको जो भ्रष्टाचार और शराब नीति की जो यहाँ खेती बोई थी वो उसी में ही खुशी उसी दलदल में खुद ही धस गए। तो आपके हिसाब से अगर केजरीवाल, देखो हो सकता है कि जो जनता के हिसाब से जो है कि कुछ जनता ये भी कहती है कि बीजेपी का एक ये स्टंट है उनके खिलाफ, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है, हो सकता है उनको फंसाया जा रहा हो, तो उस पर आपका क्या? ये सब वो है कि खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे, कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए, जो मुंह में आ रहा है बरगला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसा करना एक बात है, अगर आपके पास कोई सबूत है बीजेपी के खिलाफ कि वो ऐसा है, तो आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले, हाई कोर्ट खोले, जाके सबूत दिखाओ और बीजेपी को अंदर करो। ऐसा सबूत तो ईडी भी नहीं ढूंढ पाई है ना अभी तक केजरीवाल के। बात सुनो, ईडी के पास सबूत है तभी ईडी ने उनको 4 उनके विधायक, अभी तक एक भी प्रूफ उन्होंने शो नहीं किया अभी तक। मैडम अभी 4 दिन हुए गिरफ्तारी को नाना, उनको देखो ना, जो इनके जो सांसद बैठे हैं, जो इनका जो शिक्षा मंत्री, इनका जो सारे के सारे जेल में बैठे हुए हैं, का स्वास्थ्य मंत्री, तो इन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। आप कैसे कह सकते हैं प्रूफ नहीं मिला? तो दिखाया क्यों नहीं अभी? अगर दिखाया नहीं है तो बिना बात उनको रखा हुआ है, ऐसे कोई रख सकता है क्या मैडम कोर्ट के? आप बताइए ना, अगर प्रूफ है तो अभी तक एक प्रूफ क्यों नहीं मिला है, आप बताइए। मैडम सारे प्रूफ हैं सारे चीज़ों का, लेकिन एक चेन होती है ना, एक चेन, ये गुत्थी की तरह सुलझा, एक होता है ना उलझी भी गुत्थी, इस उलझी भी गुत्थी को सुलझाने का काम हो रहा है और बड़े बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ईडी पे थोड़ा संयम रखो, भरोसा रखो, यही ईडी 14 के बाद नहीं बनी है, ईडी पहले भी थी, पहले भी लालू प्रसाद के खिलाफ। 2024 में किसका चेहरा देखना चाहते हैं?
24 मैंने कहा ना मोदी जी, और दूर दूर तो कोई है नहीं। दिल्ली में भी आप उनका ही चेहरा देखना चाहिए। मैडम मैं तो कहता हूँ दिल्ली में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और यहाँ पे ये मुफ्तखोरी जो है ना सब बंद होनी चाहिए। 14 से पहले भी लोग बिजली पानी का बिल भर रहे थे, अच्छा खा कमा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। फ्री मतलब फ्री शराब के लिए या फ्री पानी बिजली के लिए जनता हाहाकार नहीं कर रही थी, कोई आपके जंतर मंतर बैठ के छातियाँ नहीं पीट रही थी। इन्हीं लोगों ने आके फ्री का लॉलीपॉप लोगों के मुँह में दिया है। अब वो लॉलीपॉप को लोगों ने खा लिया, खो लिया, फेंक थूक दिया। लोग इसके अधीन नहीं है केजरीवाल के, उन्हें पानी बिजली चाहिए। ये वो लोग जरूर छाती पीट रहे हैं जिनको हराम की मुँह लग गई है, जो अच्छी तरह से कमाना जानते हैं, मेहनती हैं, जिनको पता है मेरे पे 24 घंटों मेरे को 12 घंटे 14 घंटे काम करने के मिलेंगे, उसमें मैं इतना कमा लूँगा कि मैं बच्चों का पेट आराम से पाल सकता हूँ, तो उनको जरूरत नहीं केजरीवाल की। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किसकी जनता चाहते हैं। सर आप किसकी सरकार चाहते हैं? देखो जो सरकार काम करेगी जनता के लिए, सरकार काम करेगी वही सरकार आएगी। आपके हिसाब से कौन सी सरकार काम कर रही है? दिल्ली में काम नहीं हो रहा आपके हिसाब से? दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने काम किया है उस काम की सारी जो विपक्षी सरकार है सब ने नकल किया है, तो केजरीवाल जी ने कुछ अच्छा किया है इसीलिए तो नकल कर रहे हैं। विदेश से जो मेहमान आते हैं हमारे, उनको भी केंद्र सरकार जो केजरीवाल का काम दिखाती है। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं ही आऊँगा अगली बार भी, तो आप उस पर क्या कह रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है और जो काम करता है उसे हर आदमी चाहता है। आपके हिसाब से क्या क्या काम किया है? केजरीवाल ने वो काम किया है जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है, जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है, वही काम केजरीवाल ने किया। पर वो तो आपके साथ है क्या? वो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ही आना चाहिए। देखिए जो भी कोई कुछ भी बोल सकता है, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर शिक्षा को अच्छा किया, बिजली पानी को फ्री किया, तो दूसरी सरकार जो लोग विरोध करते हैं केजरीवाल का वो लोग नकल कर रहे हैं। यूपी के अंदर योगी बाबा जिसको सुशासन बोलते हैं, योगी बाबा भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो भी केजरीवाल की नकल कर रहा है। गुजरात में भी नकल हो रही है, आसाम में भी नकल हो रही है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार। क्या कह रहे हैं ये, नकल कर रहे हैं बीजेपी वाले? आप बताइए क्या बीजेपी वाले नकल कर रहे हैं सही में? जो जो सर के बाल से एड़ी तक भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी का ये भाई साहब महिमा मंडन कर रहे हैं, उसने 70 साल नकली तो करी है सब पार्टियों की, नकल का पुलिंदा खड़ा करके कांग्रेस को धराशायी करी, कांग्रेस की नकल। हाँ नकल के मामले में इनको तो भाई साहब PhD कर रखी है। कांग्रेस ने जो 70 साल में घोटाले करे इन्होंने 9 साल में करके दिखा दिए, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा पुलिंदा लेकर खड़े थे ये। मेरी सरकार आएगी शीला जेल जाएगी, वो तो बेचारी स्वर्ग में पहुँच गई, लेकिन उनकी बद्दुआ जो इनको लग रही है कि मैंने 70 साल में जो भ्रष्टाचार नहीं करा तूने 9 साल में कर दिया। रही बात शिक्षा मंत्री, भाई साहब इनका शिक्षा, आपके एक हाथ में शराब और एक हाथ में आपके हाथ में जो है बुक हो कलम हो तो आपके घर पे वोट मांगने जाए, क्या आप उसको वोट दोगे या मुंह पे एक कुछ भी रखोगे? तो ये लोगों शर्म आनी चाहिए शराब की। मैम देखो जो कांग्रेस की सरकार की जो बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए थे 70 साल में भ्रष्टाचार करते हुए, ISI की एजेंट बनते हुए, गलत काम करते हुए जो सरकार ने कांग्रेस के लिए काम किए थे, उसी उन्हीं कामों को मोदी सरकार बेच नहीं पाई, पूरे 10 साल में नाम नहीं बदल पाई उन कामों के लिए। अगर मोदी सरकार ने काम किया है तो 10 नाम सुनाए, 10 नाम दिखाए, 10 नाम दिखाए। दूसरा केजरीवाल ने गलत किया, काम किया है भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो जो मोदी की आपके हिसाब से केजरीवाल जो अंदर है आपके हिसाब से उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया क्या? बीजेपी सरकार मोदी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी। मैं आपसे सारे भ्रष्टाचारी केजरीवाल को जो अंदर किया शराब घोटाले के केस में आपके हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए था अंदर? नहीं करना चाहिए। मैम देखो नवीन जिंदल उसका एग्जाम्पल है। नवीन जिंदल के चारों तरफ ED घूम रही थी और आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। प्रफुल्ल पटेल सर आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या बोलूं, ये बोल रहे हैं चलिए ED घूम रही थी और भी जनता हमारे साथ जुड़ गई है, मैं उनसे भी सवाल करूंगी। सर आप बताइए किसकी सरकार 2024? तो मोदी को देखना चाहेंगे बिल्कुल। क्यों मोदी को क्यों देखना चाहेंगे? ये युवाओं के लिए इतना कुछ कर दिया, देश के लिए इतना कर दिया। हम तो डिजिटल किया देश, हम तो डिजिटल क्रिएटर हैं, हमारे लिए कितने अवार्ड्स वगैरह निकाल दिए उन्होंने, किसी सरकार ने आज तक किया नहीं करा, तो हमारे लिए तो सबसे अच्छा काम है। सर आप किसको वोट देंगे 2024? कांग्रेस क्यों, बीजेपी को क्यों? तो बताइए आप क्यों नहीं देखना चाहते हैं? मैं आपका ओपिनियन मांग रही हूं, आप बताइए। मैंने ओपिनियन दे दिया, कांग्रेस को दूंगा। आप करें क्यों, आप बीजेपी को क्यों? आप प्रधानमंत्री में राहुल गांधी का चेहरा देखना चाहते हैं 2024? राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर मैं प्रधानमंत्री हूँ। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ 2024 में अगर आप कांग्रेस कह रहे हैं तो कांग्रेस से आप किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं? सुनो मेरी सुनो,
अब बहुत छोटी उम्र में पता भी नहीं होगा। नेहरू के बाद कहते थे कौन, इंदिरा के बाद कहते थे कौन, उसके बाद भी पांच बिना कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। तो आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं, मैं आपसे नाम पूछ। अपना जब इलेक्शन होगा अपना आप चेहरा आ जाएगा सामने। आपके आप मोदी नहीं आएगा। अच्छा, किन मुद्दों पे आप कांग्रेस को चाहते हैं? अरे अरे अरे, मोदी नहीं आएगा। अच्छा सुनिए सुनिए, 14 से रोते आ रहे हैं, आर रुदाली बन गए हैं, 24 में भी रोएंगे, 29 में भी रोएंगे, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं ये आप बताइए। उनको कहने दो, उनका उनको कहने दो, उनका कहने से क्या होगा। लेकिन ये है कि 200 सीटें नहीं आएंगी मोदी की। 200 नहीं, 400 पार कर नारा है। नारा तो 543 का बोल दे वो। फिर आपके हिसाब से कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की, कितनी सीटें आएंगी आप अपने बताइए। नारा दे रहे हैं ना, इन्होंने तो इतने वादे करे थे, एक वादा पूरा कर दिया। सो स्मार्ट सिटी बन गई, सो स्मार्ट सिटी बन गई। चलिए, हाँ जी, आप किसकी सरकार? कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि परिवर्तन चाहिए। क्या परिवर्तन चाहते हैं? ये जो हो रहा है, जो कह रहे हैं, ढोला बजा रहे हैं अपना कि 80 करोड़ लोगों का अनाज दे रहे हैं। हाँ। कम से कम इनका काम ये होना चाहिए कि 80 करोड़ में से हमने 30 करोड़ लोगों को ये मतलब अबव द पॉवर्टी लाइन किया है, वो सब कर ही नहीं रहे। बस वो राशन खिला रहे हैं, राशन खिलाने से देश आगे बढ़ेगा। तो आप किन मुद्दों पे कांग्रेस को लाना चाहते हैं, आप क्या क्या काम चाहते हैं? कांग्रेस को इस मुद्दे लाना चाहते हैं, पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रोजगार हो, सरकारी भर्तियां निकले, ये नहीं कि जो भर्तियां उसको भी सफाशट करते चले। आप किसकी सरकार चाहते हैं? कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में आप मोदी, मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट क्यों? देयर आर मल्टीपल रीजंस एक्चुअली, पढ़ा लिखा हूँ तो समझ में आता है। जी, क्या रीजंस आप बताएं? कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है बहुत सालों तक, मोदी गवर्नमेंट जितने डेवलपमेंट हुए हैं, प्लस ग्लोबली जितना नाम हो रहा है, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो मोदी सरकार ने किया है। आपके हिसाब से दिल्ली में अभी काम नहीं हो रहा केजरीवाल की सरकार? वो फर्जीवाल है, आप नाम गलत ले रही हैं, उनका नाम फर्जीवाल होना चाहिए। सपने दिखाए थे, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, 2012 में, सो आई कम्प्लीटेड माई MBA इन 2012, और मेरा कॉलेज इंटर्नशिप चल रहा था, वो छोड़ के मैं इनके चक्कर में रामलीला मैदान में खड़ा था। आई कैन शो यू माई ओल्ड पिक्चर्स, जहाँ मैं झंडे लेकर उस पर था, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, वो सब नारे लगाए थे मैंने। बट जब उन्होंने रिजाइन दिया ना, वो फर्स्ट 49 डेज के गौर सरकार के बाद, तो मुझे रियलाइज़ हुआ दिस मैन इज़ अ चीटर। वो बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाना आता है, उसमें मास्टरी है उनकी। चलिए, इनके हिसाब से तो केजरीवाल नहीं आने चाहिए। हाँ जी सर, आप कह रहे थे आपकी सुनी नहीं, आप बताइए क्या नहीं सुनी? कह रहा हूँ मोदी जी का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार मुक्त का नारा था मोदी जी का, पर आज मोदी जी का नारा बदल चुका है। मोदी जी का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो, मेरी ईडी चीजें सब हो जाएगी। केजरीवाल ईडी के मामले में जेल में है ना, और प्रफुल्ल पटेल का कल ही ईडी ने केस वापस ले लिया, बीजेपी में शामिल हो गया केस। आपके हिसाब से 2024 में जनता किसके साथ होगी? 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, सत्ता से ही बाहर हो जाएगी, झूठे झूठ बोलने वाले को बाहर करेगी सत्ता सारी से, जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगा, जो सर कुछ कहना चाहते हैं एक सेकंड, उसे बाहर कर, मुझे सबको टाइम देना है। मैं ये कहता हूँ, जो भ्रष्टाचार के आरोप ये लगा रहे हैं अजीत पवार पे, जितने भी और पहले गए, जितने भ्रष्टाचार हुए ना पूर्ववर्ती सरकारों के साथ रह के किए ना, और उनसे एक से भी केस हटा नहीं है, भले ही वो बीजेपी में आ गए। पटेल से हट गया, ईडी ने केस वापस नहीं लिया, लोकसभा से शामिल आ गया। आप देखो नीचे पे, न्यूज पे देख लो, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल हो गया, केस वापस हो गया ईडी का, ईडी का 8 केस वापस हुए ईडी के, 8 नेता अंदर जेल में है, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, ये नहीं दिख रहे इनको जिंदगी में। आप बोलते रहो, जिंदगी में बाहर नहीं निकलेगा, वो जिंदगी में नहीं निकलेगा। अब मोदी को कोई रोक सकता है? कोई भी रोक सकता है मोदी को? हैं, कोई रोक सकता है? बोल तो रहा हूँ, एक भी। आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं 2024? मैं बोला, जब तक मेरा सांस चले तब तक मोदी जी का बीजेपी का चेहरा देखना चाह रहा हूँ। रोजगार भी आप क्या कहना चाहते? रोजगार में धन सब खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है रोजगार में। एक चीज बताइए, कांग्रेस में क्या सब ये सब चर थे क्या? सब जेब कतरे थे, यही खाली बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं? क्या कह रहे हैं आपको, जेब कतरे कह रहे? खड़े हो जाइए आप। कह रहे हैं कि मोदी जी का एक ही नारा था, भ्रष्टाचार मुक्त, और मोदी जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक है। मेरे साथ और भी जनता है सर। हाँ जी, क्या कहना? हाँ जी, देखो ये जितने खड़े हैं ना, ये 14 से इनके कैमरे चेक कर लो, फोटो चेक कर लो, जब से मोदी को कोस से आए, जितनी मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाली है उतना हमारा कमल खिला है, और आगे भी कमल खिलेगा, कीचड़ में ही कमल। इनके हिसाब से तो 2024 में कमल ही खिलेगा, बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन आप किसकी सरकार चाहते हैं सर? हैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जो भी, सरकार कौन सी भी आए, पर बीजेपी नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
बीजेपी ने ऐसे इतना जो गलत करा ना, बच्चों तक के जो बच्चे के बच्चे को जो बिस्कुट है ना, उसके बच्चों के 5 रुपए जो बिस्कुट आता है जीएसटी लगा दी 18%। आपके हिसाब से महंगाई बढ़ी? महंगाई बढ़ी है, सब कुछ खत्म कर दिया। आप राम मंदिर का सुनो ना, राम मंदिर का आप कहते हो, राम मंदिर किसने बनवाया? कोर्ट ने बनवाया। इन्होंने कहते राम मंदिर हमने बनवाया। गेट किसने खोल, सुनिए गेट किसने खुलवाया था? सबसे पहले गेट किसने खुलवाया था? किसने खुलवाया था सबको पता? आपके हिसाब से अगर मोदी नहीं तो दूसरा चेहरा कौन 2024 का? जो आप अभी सीपी में खड़े हो ना, जिसने बनवाया है उसको ही आना चाहिए। आपके हिसाब से कांग्रेस ने बनवाया है, कांग्रेस बनाया है। और कांग्रेस, कांग्रेस देखिए, मुझे क्वेश्चन करने दीजिए, कांग्रेस की सरकार क्यों? हमारे आपके सबके पिताजी ने कांग्रेस से वोट दिया है और वो सबसे लंबे पार्टी है और लास्ट में ये सब ये भी सपोर्ट देंगे। किन किन मुद्दों पे कांग्रेस को लाना चाहते हैं ये बताओ मुझे? जो 400 रुपए आप किन किन मुद्दों पे कांग्रेस को लाना चाहते? जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था और जो गरीब, सुनो, जो 400 रुपए सिलेंडर मिलता था, जो 12वीं जो 8वीं साल स्कूल जो बच्चे थे ना सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आज नौकरी खत्म कर दी, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया मैडम, सब कुछ बेच दिया। आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल मेरे दो बच्चे हैं मेरे, और सरकार दो बच्चे हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छे पढ़ रहे हैं। ईमानदार होता तो जेल क्यों जाता? ठीक है, जेल क्यों जाता? आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार? मोदी जी बीजेपी की सरकार आएगी, सिर्फ दिल्ली में भी? दिल्ली में भी बीजेपी इस बार। अगर देखिए, चलिए आगे और भी लोग हैं सर, आप क्या कहेंगे? एक सेकंड सर, आप किसकी सरकार? एक ही नारा, एक ही नाम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है सर। हाँ जी, आप किसकी सरकार चाहते? देखिए, सरकार तो हम मोदी जी की चाहते हैं, मोदी की सरकार है। और अभी केजरीवाल जी की बात चल रही थी, तो केजरीवाल जी अब सीएम नहीं पीएम बनेंगे तिहाड़ जेल के, उनको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई देता हूँ उनको। आप वही तो रहेंगे। और भी है सर, आप क्या काम करते हैं सर? जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? इधर दिल्ली में ही। आप किसकी सरकार चाहते हैं सर 2024? बीजेपी, मोदी की। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? वो देखते हैं, अब उनको भी चांस देते हैं। केजरीवाल का तो देख लिया, केजरीवाल का देख लिया, तो केजरीवाल से क्या सेटिस्फाइड हुए इन सालों में? नहीं। क्यों हुए? कुछ बातों पे हुए हैं। आपके हिसाब से उन्होंने काम नहीं करे दिल्ली में? मैं दिल्ली में कम अभी नया आया हूँ, वैसे पंजाब का हूँ मैं रहने वाला। आप बताइए, आप किसकी सरकार? आप दिल्ली में रहते? देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इतना बढ़िया मौका है, ये बीजेपी जो है ना विपक्षी पार्टियों को बचा रही है जिन्होंने घोटाला करा है। अच्छा। मैं तो बोल नहीं रहा, बीजेपी तो बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, उन्होंने कोई चिंता नहीं लिया, घोटाला नहीं करा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों ने घोटाला करा है उसके लिए SIT बनाओ ना, कोई जाँच करो। बीजेपी तो ईमानदार पार्टी बच जाएगी ना, तो ये दूसरी पार्टियों को मतलब ये सब मिले हुए हैं क्या? TMC से भी मिले हुए हैं, कांग्रेस से भी मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी से भी मिले हुए हैं, ये घोटाले की जांच क्यों नहीं करा रहे? मैं तो कह रहा हूँ ईमानदार पार्टी है बीजेपी, सबसे बड़ी दुनिया की, लेकिन ये घोटालेबाजों को क्यों बचा रही है? ये जो चंदा लिया है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से रिश्वत ली है, तो उनके ऊपर जाँच क्यों नहीं होने दे रही? तो सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे ना, तो ये क्यों बचा रहे हैं? आपके हिसाब से बीजेपी क्यों बचा रही है? तो आपके हिसाब से ये एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये सब एक हो गए हैं, है भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। अरे इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्पेशल जांच करवाओ ना, कमेटी बनाओ, सबको फांसी लटकाओ जिन्होंने गलत चंदा लिया है। बीजेपी तो ईमानदार है, मैं भी कह रहा हूँ, तो वो क्यों डर रही है भैया? बीजेपी क्यों डर रही है? क्यों डर रही है सर, जवाब दीजिए। बीजेपी ना डरी, ना डरे, ना डरेगी। जो आतंकवादियों का समर्थन देने वाली, हम तो मानते हैं, हम तो और भी देंगे उनको, हम तो और भी देंगे, लेकिन भ्रष्ट, अरे सुनो, आतंकवाद का तो साथ नहीं दे रही। आपके हिसाब से क्या? देखिए, देश के, सुनो, देश के जवान, मेरी बात सुनो, देश के, अरे मेरी एक बात तो सुन लो, देश के किसान और जवान आतंकवादी होते हैं भाई साहब, देश के जवान और किसान आतंकवादी होते हैं। अभी भैया ने बोला है कि आतंकवादी को बचा रही है, देश के किसान और जवान आतंकवादी होते तो मुझे बताओ भाई क्या काम करते हैं सर? जॉब करता हूँ। कहाँ पर? गुड़गांव।
किसकी सरकार चाहते हैं 2024 पसंद है अपने क्या क्या किन मुद्दों पे आप उनको वोट देंगे दोबारा? मुझे सिर्फ मोदी का चेहरा वोट देना, कुछ मुद्दा मुझे नहीं चाहिए बस। चलिए इनको तो मोदी का चेहरा, इनको तो मोदी का चेहरा है पसंद, इसलिए मैम मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी मैम, किसकी सरकार चाहती है हम 2024 में? मोदी। क्यों? क्यों? क्योंकि कोई और ऐसा नजर नहीं आता है जो देश का कर सके, मार्गदर्शन कर सके और देश को संभाल सके, क्योंकि सबको अपने अपना संभालने से ही फुर्सत नहीं है। कहाँ से? मैं यही दिल्ली लक्ष्मी नगर से। दिल्ली से? लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब केजरीवाल की सरकार में क्या लगता है कि सिर्फ बस में टिकट फ्री हो गई तो सब कुछ बढ़िया है? बाकी और भी तो दिल्ली का डेवलपमेंट और बाकी चीजें हैं। उन्होंने स्कूल बनवाए, उनके हिसाब से आपको क्या लगता है उन्होंने कुछ काम नहीं? कौन से स्कूल बनवाए? वही मैं पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं? ऐसे कुछ खास नहीं, थोड़े बहुत तो सभी कर लेते, लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है। आपको क्या लगता है केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं? काम तो ऐसे है कि अब नहीं आना चाहिए। आप किसको वोट देंगे? मोदी जी। क्यों? 400 पार। आपके हिसाब से 400 पार का जो कर रहे नारा? मोदी जी आए 10 साल में, मोदी जी ने जो भी काम किया वो हमें नहीं पब्लिक को भी दिख रहा है और यहाँ तक छोटे छोटे बच्चों को भी दिख रहा है, ठीक है। महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा भी सब महिलाओं बच्चियों को नजर आ रही है, ठीक है। आज जो हम जो है कहते हैं जो है फर्श से अर्श तक, तो अभी तक तो जो है हम लोग फर्श पे पड़े हुए थे, ठीक है। जो आता था विदेशी को पैरों से ठुकरा के चला जाए भारतीयों को, लेकिन आज हम अर्श पे पहुंच गए और आज अर्श पे होने की वजह से हर बंदा जो है विदेशी लोग यहाँ पे बिठा के रख रहे हैं भारतीयों को। अब आपके हिसाब से विकास हुआ बीजेपी की सरकार में? क्या बीजेपी की सरकार में आपके हिसाब से विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, और विकास खाली नाम ही नहीं विकास काम से हुआ है, आज देखने में आ रहा है। ये थोड़ी है कि हम किसी भी बिल्डिंग को रेनोवेट कर दे और बोल दे साहब ये स्कूल मैंने। सर क्या कह रहे हैं सर? एक सेकंड। ये सरकार जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला मोदी राज में हो गया है और ये जांच नहीं करा रहे। मैं तो कह रहा हूँ ईमानदार पार्टी। मोदी जी तो किसी को बोला नहीं कि आप पर्सनली चोर हो, सबको पोल किसने खोला? केजरीवाल। जब बीजेपी सत्ता में जब बीजेपी नहीं था, कांग्रेस था, तो कांग्रेस यही आम आदमी पार्टी क्या बोलता था? कांग्रेस के बाहर सारे बंदे भ्रष्ट हैं, सारे चोर हैं, और जब सत्ता में आते ही साथ फिर कह रहे मोदी जी हमारे को ये वो। मोदी की सरकार चाहती है, उनके हिसाब से विकास किया मोदी ने दिल्ली में भी मोदी की सरकार? मुझे तो कहीं विकास दिखा नहीं, या अभी सो रहा है क्या? खाट में पड़ा है विकास? आपके हिसाब से क्या विकास थी दिखा? तुम्हारा विकास घूमने गया है, हमारा विकास हुआ है इसलिए हम लोग को पता है हमारा विकास मोदी जी ने किया है। 19 ईयर्स के हो, पहला वोट है तुम्हारा इस बार, किसको दोगे? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को? अच्छा मैं इनको विकास बताता हूँ, इनके लिए विकास वो है जो देश में परिवारवाद होता है और सिर्फ घोटाले पे घोटाला, इनके लिए वो विकास है। देश सुनिए सुनिए, फ्री मिले इनके साथ, एक ब्लू विकास है, एक के साथ एक फ्री मिला, इनके लिए वो विकास है। सुनिए, उन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया, लड़के मिले, एक के साथ एक फ्री मिले, उसके साथ में जो है आलू से सोना बने, ये विकास है, ठीक है जी। और जो हम फर्श से अर्श तक पहुंच गए वो इनके लिए विकास नहीं है, ठीक है। नहीं हुआ होता तो ये 2000 की टी शर्ट पहन के नहीं घूम रहे हो, तो ये विकास है। जो 200 की टी शर्ट थी वो 2000 की पहन के घूम रहा है, ये विकास हुआ है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ किसकी सरकार? किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? मोदी मोदी, हम गुजराती है, मोदी होना चाहिए और कुछ नहीं। गुजरात से है तो मोदी। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ये पूछना चाहते हैं ना कि मोदी जी के राज में क्या होना बाकी है, एक दिन ऐसा आएगा भारत विश्व गुरु बन जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा भारत विश्व गुरु बन जाएगा बीजेपी की राज में और मोदी जी के काज में। आपने कहा ना भारत बेरोजगार बन जाएगा, भारत बेरोजगार नहीं बन रहा है, भारत में आज लोगों को जो है स्वरोजगार मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये, इन 70 सालों में जो लोग पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट हुए, जिन्होंने PhD करी, आज वो सड़कों पे घूम रहे, रिक्शा चला रहे, ये है कांग्रेस का राज्य। और बीजेपी के राज में लोगों को आप ये बताइए, रोजगार की बात हुई थी बीजेपी
बीजेपी ने कहाँ दिया रोजगार? मैडम स्किल इंडिया क्या है? स्वरोजगार नहीं दे रहे क्या? उसमें रोजगार के लिए अपना रोजगार खुद के आप मालिक बनो, आप अपने अंडर में 10, 11, 12, 15, 20, 25, 50 जिसको चाहो उतने को नौकरी। लेकिन महंगाई भी तो इतनी कर दी है मैडम। सुन कहा महंगाई? कौन सी महंगाई? महंगाई नहीं हुई है, महंगाई नहीं हुई। देखिए जो आम जनता उसी के सवाल पूछ रही हूँ मैं। वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले नहीं, आप पहले 300 कमाते थे, आज 600 कमा रहे हो। कौन सी महंगाई की रोना रो रहे हो भाई? महंगाई तो उसके किस सरकार चाहते हैं? सिर्फ मोदी सरकार 400 पार। 400 पार क्यों? चाह सकते सबसे बड़ी आदमी। कहाँ के हैं आप नागरिक? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में भी आप उसकी सरकार? तो सीटें मोदी जी जीतेंगे, कमल खिलेगा और केजरीवाल जेल गया, बहुत अच्छा हुआ। नो और ठीक है, आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। क्यों? बीजेपी चाहिए। क्यों चाहिए? किन मुद्दों पे बीजेपी चाहिए? किस किस हिसाब से आप वोट कर रहे हैं? कुछ भी ना हो फिर भी बीजेपी चाहिए। चलिए इनके हिसाब से तो कुछ भी ना हो लेकिन बीजेपी चाहिए। आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। क्यों? 10 साल दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला और जांच नहीं करा रहे। ईमानदार पार्टी है बीजेपी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कांग्रेस को भी बचा रहे हैं घोटालेबाज और टीएमसी को भी बचा रहे हैं। अच्छा हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार। क्यों? अपोजिशन कोई है ही नहीं। आपके हिसाब से कोई विपक्ष भी ऐसा नहीं है जो उनको टक्कर दे? नहीं है, कोई है ही नहीं, फेस ही नहीं है। कोई फेस ही नहीं आपके हिसाब से? सेम सेम एग्रीड। इनके हिसाब से तो कोई फेस नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। हैरानी की बात है कि ये अभी बोल रहे हैं ये सारे खड़े होकर कि क्या नाम है कि सबको बचा रहे हैं और हम मिले हुए हैं, सब बात सही है, पर एक बात मुझे ये बताइए कि महिमा मंडल किसका कर रहे हैं? ये चोरों का कर रहे हैं महिमा मंडल। अगर अरविंद केजरीवाल इतना ही सच्चा आदमी होता तो उसको जमानत पहले दिन मिल जाती। अगर इतना ही सच्चा आदमी राहुल गांधी होता तो जमानत पे नहीं घूमता। ये महिमा मंडल चोरों का कर रहे हैं क्योंकि इनका दुकान नरेंद्र मोदी ने आते ही बंद किया क्योंकि ये पत्थर चलाते थे। आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024? देखिए मैडम प्लीज कृपा करके मेरी बात सुनना। इस दुनिया में तीन लोग पर बर्बाद है। कौन? तकलीफ में सबसे पहले जो सबसे गरीब है जिसको काम नहीं है, और दूसरा कौन? जो महंगाई के लिए रो रहा है। तीसरा कौन? जो औरतें जिनको मिला ना फुकड़ में सिलेंडर उज्ज्वला में, वो गैस के लिए रो रही, 1000 रुपये कौन देगा, कहाँ से लाएंगी वो? तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता सुन ले, मोदी जी हमारे पिता तुल्य है, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, मैं चाहता हूँ जैसे एक गवर्नमेंट ने 10 साल चलाया तो किसी को और को भी चांस मिलना चाहिए। कैमरा देखिए इन विपक्ष वालों का वो हाल हो रहा है। एक एक मैं आपका एक मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। एक समय था एक एक जो विपक्ष इकट्ठा हो गया कि एक बंदे को गांव का सरपंच नहीं बनाना, तो उन्होंने क्या किया उस बूढ़े को ना जैसे मोदी जी को हार दे दिया। भाई इन इनमें से जो तुम्हें समझदार आदमी लगे उसके गले में हार डाल दो, उसको सरपंच बनाना है गांव का। तो सारे जो चोर चक्के इकट्ठे होके बैठे थे उन्होंने सोचा, सर को तेल लगाया, भाई हार तो हमारे गले में पड़ा। तो जैसे ही वो बूढ़ा जिसने सरपंच बनना था उसने हार घुमाया, उसने कहा भाई देखो तुम सब हो बेवकूफ, मेरे को तो कोई समझदार बंदा दिखता नहीं, इसलिए भाई मैं तीसरी बार भी सरपंच मैं हूँ। वही हाल है, जितना मर्जी शोर मचा लो मोदी जी 400 पार। लोगों ने भी किस्सा कुर्सी का देखा आपने, हमने शो में किस्सा कुर्सी का जनता की आपको सबको राय दिखाई, देखा कि दिल्ली की जनता अब इस बार किसकी सरकार चाहती है और किसको सत्ता में लेके आना चाहती है वो भी आपने देखा। आपने सुना कि कैसे लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और बताया कि किसकी सरकार आना चाहिए, लेकिन अब ये तो फैसला 4 जून को हो ही जाएगा कि किसकी सरकार आएगी और किसकी नहीं, किस और क्या होगा आगे, किसकी सरकार 5 साल तक राज करेगी और नहीं। बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अरे बेटे एक बात।